जाता हूँ गंगा जी इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, हम लोग पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में ड्रग्स और अल्कोहल का कुल प्रभाव। तो ड्रग्स क्या है इसके बारे में उन्हें बताया था कि एक जो यौवनावस्था होती है एडोलसेंस की एज जो होती है बच्चों की या मानव की, या अवस्था जो है मानव की शरीर समाज में स्वाभाविकता ही तैयार रहती है। मतलब मनुष्य का जो जीवन है इस अवस्था में वह व्यक्ति सामाजिक होना शुरू हो जाता है और इसकी अवस्था जो बताया गया है 12 से 18 वर्ष की होती है, 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच की होती है। इस अवस्था में उसके शरीर में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जैसे उसका मानसिक स्तर और लैंगिक स्तर और शरीर में आक्रामक रूप, आकर्षक और उत्तेजित, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके कारण से वह नशीले पदार्थ तथा अल्कोहल की ओर प्रेरित होता है। उसे इस बात का उस समय भ्रम रहता है कि अगर हम नशीले पदार्थ अल्कोहल का सेवन करेंगे तो हमारा जो स्टेटस है बहुत अच्छा दिखेगा, या हम इस तरीके से धूम्रपान करते हैं या जो भी नशीले पदार्थ को खाते हैं उससे वह अपने आप को अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखने को प्रेरित करने की चाहत रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। जब इसका प्रयोग वो बार बार करने लगता है तो उसके प्रति उसका लगाव हो जाता है, लगाव होने के कारण से वह उसमें जो है नशीले पदार्थों की आदत हो जाती है, जिससे जो है वह अपनी जो उन्नत प्रगतिशील दिशा है उससे भटक कर वह मादक पदार्थों के सेवन में लग जाता है और वह उसी पर डिपेंड भी हो जाता है, जिसके कारण से इसका अधिक प्रयोग करने से या इसका लगातार प्रयोग करने से नशीले पदार्थों का, अल्कोहल है, ड्रग्स है, धूम्रपान है, इन सब का लगातार प्रयोग करने से व्यक्ति में जो है ये जो उसके शरीर का विकास होता है वो अचानक रुक जाता है। अचानक रुक जाने से उसके शरीर में दूसरे प्रकार के समस्याएं आनी शुरू हो जाती है, जैसे उसको उसमें चिंता, कंपन, पेशियों का अटना, व्यग्रता, ये सारी लक्षणें तेजी से बढ़ने लगती हैं। तो इस प्रकार से वह इसको जब तक सेवन नहीं करता है नशीले पदार्थों का तब तक उसमें ये सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। तो इसके कारण से उसके जीवन में बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब पहली चीज़, ये तो जनरल बातें हुई कि नशीले पदार्थों का प्रयोग करने की लत क्यों पड़ती है और क्या प्रभाव होता है। नशीले पदार्थ का लत पड़ने का कारण है लोग अपनी सामाजिक स्थिति जो है समाज में अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से उसमें नशे की आदत पड़ जाती है। परंतु ये गलत है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति नशीला पदार्थ का सेवन करेगा तभी वह उसका सामाजिक स्थिति अच्छी मानी जाती है, और अगर वह सेवन लगातार कर रहा तो उसे उसकी लत हो जाती है और जब तक उसका सेवन नहीं करता है तब तक उसमें उसके शरीर में जो है सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। तो जो व्यक्ति सेवन कर रहा है उसके लिए समस्या है, तो उसके कारण से उसमें जो है बहुत सी विसंगतियाँ आनी शुरू हो जाती है सामाजिक स्तर से, पारिवारिक स्तर से, शारीरिक स्तर से, तमाम विसंगतियाँ आनी शुरू हो जाती है जिसके प्रभाव से वह आसानी से बच नहीं पाता है। इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से नशीले पदार्थ हैं। प्रमुख नशीले पदार्थ में जो है जो मनुष्य अधिक प्रयोग करता है
उन सब का निर्माण जो है पुष्पी पादप और कवक से होता है, जैसे ओपियोट्स। ओपियोट्स जो है एक नशीला पदार्थ है जिसे पुष्पी पादप या अफीम का पौधा कहते हैं। इस पौधे के लैक्टिस से प्राप्त होता है। यह ऐसी ड्रग्स है जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा जठर तंत्र को प्रभावित करती है। इसे जो अफीम का पौधा जो है उसे सामान्य भाषा में ब्राउन शुगर, इसमें एक हीरोइन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो रासायनिक स्वरूप है डाई एस्टिल मॉर्फिन है। यह सफ़ेद रंग का होता है, गंधहीन है और रवेदार होता है। यह अवसादक मतलब एक डिप्रेसमेंट तरीके से कार्य करता है और हमारे शरीर, जैसे जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर यह अटैक करता है तो हमारे शरीर का जो सिस्टम है डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेस हो जाने के कारण से वह उसकी जो भी प्रक्रियाएं हैं कार्य करने की क्षमता है वो धीमे हो जाती हैं, या कह सकते हैं मंद हो जाती हैं। इस प्रकार की एक्टिविटीज होती रहती है। दूसरा जो नाम लिया गया है कैनावाइंस। कैनावाइंस ये भी एक नशीला पदार्थ है। भांग के पौधे से कैनाविस एस्टिवा के पुष्पक्रम पुष्पों एवं पत्तियों से रेनिन के रूप में प्राप्त होता है। और अगर इसको अनेक नशीले पदार्थ और पदार्थों में मिलाया जाए तो अनेक प्रकार के नशीले पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसका जो सामान्य भाषा है मरीजुआना, हशीश, चरस, गांजा, इस रूप से जाना जाता है। इसका जो प्रभाव होता है हमारे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पर होता है, रुधिर परिवहन तंत्र पर होता है। तो कह सकते हैं जब रुधिर परिवहन तंत्र पर होगा तो ये हमारे हृदय की जो भी कारकी है उसको प्रभावित करता है, इसलिए ये भी बहुत खतरनाक है। देखिए एक तरफ जो है उसका हेरोइन का दिया हुआ है रासायनिक, और एक तरफ जो है भांग का दिया, किसे प्राप्त होता है उसका रासायनिक, ये नहीं पूछता है। लेकिन कौन कौन से नशीले पदार्थ हैं जिनके उपयोग करने से क्या होता है ये पूछा जाता है। जैसे हेरोइन जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, और जो भांग है, चरस से गांजा है, ये हमारे जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पर अटैक करता है या प्रभाव करता है। तीसरा है कोका अल्कॉइड्स, इसे कोकेन भी कहते हैं, कोकीन लोग नॉर्मल बोलते हैं, कोकीन, ठीक है। यह नशीला पदार्थ अफीम के पौधे के एथ्रोजाइन जाइलान कोका से प्राप्त कर किया जाता है, पौधे का नाम है। यह डोपामिन तंत्रिका प्रेषक के परिवहन में बाधा डालती है। प्रेषक का मतलब होता है जो कार्य कराने के लिए जिम्मेदार होता है। इसे कोक क्रैक भी कहा जाता है। ये भी तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। जैसा दिया गया इसके अधिक प्रयोग से विभ्रम होती है। इसका गुण ये धतूरे के पौधे से भी प्राप्त होता है। तीन नशीले पदार्थ हैं। अन्य नशीले पदार्थ में बार्ब्यूरेट्स है, एफमोटेमीन है, बेंजोडाइजेपिन्स है, ठीक है, ये सारे हैं। इसमें कुछ तो देखिए यहाँ दिया है, मॉर्फिन एक प्रभावशाली दर्द निवारक भी है, शल्य चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं 100% किया जाता, उसकी कुछ मात्रा ही किया जाता है। इस प्रकार से ये कुछ नशीले पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में प्रभाव डालते हैं। अब इसके बाद आगे की जो है ड्रग्स का कुप्रभाव के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।